मालवा के इतिहास में पहली बार बौद्ध धर्म के अनुसार एक शादी संपन्न हुई। ये शाजापुर जिले में ये शादी कराई गई। इस पूरी शादी के दौरान ना तो मंत्रोच्चार हुए, ना ही फेरे लिए गए, बल्कि भावी वर वधु को आशीर्वाद देने का तौर तरीका भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों की तरह संपन्न कराया गया। देखिए शाजापुर से एमपी न्यूज की ये खास खबर। बदलते दौर में अब शादी करने का तरीका भी बदलने लगा है। लोग अलग अलग तरीके से शादी करके अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। शाजापुर में भी एक नवदंपति ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरों के सामने बौद्ध परंपरा से शादी की और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला लिया। बौद्ध परंपरा में कन्यादान नहीं होता, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं होती बल्कि उसे जीवन संगिनी और जिम्मेदारी माना जाता है। इसमें कन्या और उनके माता पिता द्वारा समर्पण किया जाता है और वर व उनके माता पिता द्वारा अनुमोदन किया जाता है, जिससे आपस में परिवार एक दूसरे के आदर सम्मान की भावना से मजबूती से रिश्ते को निभाते हैं। ये शादी करके दूल्हा और दुल्हन ने खुशी जताई। बाबा साहब अम्बेडकर के और बौद्ध धर्म के जब शादी की हुई है वो बहुत ही अच्छा, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा जो हमारे समाज है वो इतने जागरूक हुआ है और उसके कारण सारे समाज को एक बनाने की कोशिश की जा रही है और एक ही धर्म से बौद्ध धर्म से शादी करने की सभी को प्रेरणा दी जा रही है। तो जैसे मेरी शादी हुई है वैसे और लोगों की भी हो, क्योंकि जो ये शादी हुई है इसमें सभी चीजें जो है वो सारी सच्चाई वाली है। इस शादी में वर वधु दोनों को 5-5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण कराई जाती हैं, जिसमें पति पत्नी आपस में सदा एक दूसरे का सम्मान रखेंगे, परिवार का सम्मान रखेंगे, मिथ्या आचरण नहीं करेंगे, दोनों ही आजीविका द्वारा घर को धन धान संपन्न बनाएंगे। हमने इस शादी को अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से किया है और उसमें शादी के अंदर बाबा साहब द्वारा बताया गया मार्ग बुद्ध धर्म के अनुसार शादी को संपन्न कराया है, जिसमें हम लड़की को पालते हैं पोसते हैं वधु पक्ष के लोग, तो वर पक्ष को जब देते हैं तो एक नई जिम्मेदारी देते हैं। जो बालिका जो वधु उस परिवार के अंदर जाती है तो बहुत सारे परिवर्तन उसके अंदर होते हैं, तो हम जिम्मेदारी देते हैं कि हमारी बालिका की आज से देख रेख अपने माता पिता के समान वर पक्ष के माता पिता करेंगे। और वर पक्ष को हिदायत दी जाती है कि बेटा आप इनके साथ मित्रवत व्यवहार करें और इनका पूरा पूरा ध्यान रखें और आप अपने जीवन को दाम्पत्य जीवन को बड़े सहज भाव से चलाएं। कुल मिलाकर शाजापुर में हुई शादी अपने आप में अनूठी मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, शाजापुर।